तो ऑफ कैमरा ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इन श्वांगूस के बारे में। तो जो मेन रीज़न था जो कि मैंने अपने ये फैक्शन रिवॉर्ड्स का जो है ये डायनेस्टी पर सेट कर रखा था, वो इसलिए था क्योंकि मुझे श्वांगू चाहिए थे। ओके, लेजेंडरी और एपिक श्वांगू, इन दोनों में से मुझे कोई एक श्वांगू चाहिए था। तो बेसिकली इस गेम में तीन श्वांगूस थे। पहला मेटल श्वांगू तो मुझे चैप्टर 2 में मिल गया था, उसके अलावा मुझे एपिक और लेजेंडरी भी मिल सकते थे। एपिक यानी एंशिएंट लेगेसी और लेजेंडरी यानी कि क्राउन डिफेंडर, तो ये भी मुझे मिल सकते थे। और मैं लेवल 16 पे ऑलरेडी आ चुका था जब ये दोनों श्वांगूस मेरे रेंज में थे। तो फिर मैंने जो है डायनेस्टी में सेट कर रखा था ताकि स्टोर्स में मिल जाएँ। एंड कल हुआ चमत्कार। तो कल मुझे बेसिकली मिल गए थे क्राउन डिफेंडर एट 745 जेम्स, द लेजेंडरी श्वांगू। तो पहले प्राइस देखकर मैं थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि देखो यार, इस वेपन को मैं चैप्टर 2 में मास्टर कर चुका था, तो इस वेपन पे मैं जितने भी पैसे लुटाऊँ वो पूरा वर्थ इट जाएगा, पूरा वसूल जाएगा। इसलिए मैंने अपने 745 जेम्स की कुर्बानी देकर क्राउन डिफेंडर यानी कि लेजेंडरी श्वांगू खरीद लिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने एक और बार स्टोर को रिफ़्रेश किया ये देखने से पहले कि मैं इससे पहले कि दोबारा हेरल्ड्स पे शिफ्ट करूं, वैसे तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे डायनेस्टी के स्टोर से मिल चुकी है, तो अब डायनेस्टी को स्टोर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हेरल्ड्स पे शिफ्ट हो सकता हूं। लेकिन मैंने फिर ये भी सोचा कि इससे पहले कि मैं हेरल्ड्स में शिफ्ट करूं, एक और बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि कुछ बेटर मिलता है तो ले लेते हैं, वरना फिर हेरल्ड्स में ही चलते हैं। फिर तो फिर मुझे फिर मिल गए एंशिएंट लेगेसी, और एंशिएंट लेगेसी थे वो एपिक श्वांगू। तो मैंने सोचा यार देखो, मेरे पास ऑलरेडी लेजेंडरी श्वांगू हैं, तो फिर एपिक श्वांगू लेने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा एपिक श्वांगू लेने की वजह से मेरी पूरी श्वांगू की कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस गेम में तीन श्वांगूज हैं, तीनों श्वांगूज मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर मैंने 37,000 कॉइन्स देकर जो है एंशिएंट लेगेसी भी ख़रीद ली। तो ये तो थी हमारी श्वांगू की कहानी। अब मे मैराथन में बेसिकली ये जो 5,000 पॉइंट्स हैं, 5,000 पॉइंट्स पे मुझे मिल गया था, मुझे 20 कीज़ मिल गई थी। तो ये बात होगी लगभग 2-3 दिन पहले की, मुझे 20 लेजेंडरी कीज़ मिल गई थी। तो फिर मेरा यहाँ पे एक लेजेंडरी चेस्ट अनलॉक होने पर आया था, और तब मैंने वो डायनेस्टी सेट करके रखा था इसी उम्मीद में कि या तो क्राउन डिफेंडर मिल जाए फिर एंशिएंट लेगेसी मिल जाए। तो मुझे ना ही क्राउन डिफेंडर मिला ना ही एंशिएंट लेगेसी, लेकिन मुझे मिली एक ख़तरनाक चीज़, मुझे मिली एक डाडाओ। और वो डाडाओ थी, एक सेकेंड में तुम्हें अभी दिखाता हूँ कहाँ है, ये रही वो डाडाओ, ड्रैगन्स रोर द लेजेंडरी डाडाओ। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो फिर गेस करो कि ये वेपन किस बॉस के पास था। अगर तुमने गेस कर लिया तो तुम महान हो, नहीं गेस कर पाए चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इस गेम का हमारा जो पहला बॉस था, इस चैप्टर 1 का जो पहला बॉस था यानी कि डेंगराओ, उसके पास थी ड्रैगन्स रोर द लेजेंडरी डाडाओ, और इसी वेपन का इस्तेमाल किया था उसने हमसे लड़ने के लिए। एंड सीरियसली मैंने इस वेपन को डुअल्स में ट्राई किया, एंड दिस वेपन इज़ एपिक। मतलब सच में इस वेपन के कॉम्बोज भाई बहुत ख़तरनाक है। मतलब यार शेड फाइट 2 में डाडाओ इतनी हैवी है, और शेड फाइट 3 में इतनी लाइट है, और ख़तरनाक कॉम्बोज के साथ आती है। मतलब जस्ट 2 OP यार, जस्ट 2 OP। लेकिन हम जो है श्वांगू को हराने के लिए क्राउन डिफेंडर यूज़ करने जा रहे हैं। उसके अलावा और कुछ हुआ था क्या? जाओ, उसके अलावा कल ये हुआ था कि कल मेरी गेम अपडेट हुई थी, और गेम अपडेट होने के बाद मुझे एक फ्री का रिवॉर्ड मिला था, जिसमें मुझे मिल गया था एक टिकट, 600 शेडो एनर्जी और एक डाइस का पैक। मतलब तुम जानते हो डाई, उनको तुम अपने सेट पर लगा सकते हो ताकि कलरफुल लगाने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए टोटल यूजेस थे क्योंकि मैं डाइस का यूज़ करता ही नहीं, ऐसे पड़े रहते मेरी इन्वेंट्री में। तो फिर मुझे मिल गया था ये एक टिकट, और या मैंने सोचा था कि इस टिकट को मैं आगे बचा के रखूँगा
अपकमिंग फ्यूचर के लिए, ताकि अगर कोई बढ़िया सा मैराथन है तब मैं यूज़ कर लूँ। क्योंकि यार देखो, टिकट इस गेम में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ों में से एक है। मतलब एक टिकट के लिए तुम्हें 300 जेम्स देने पड़ते हैं, 300 जेम्स फॉर 1 टिकट। देख रहे हो तुम, महंगाई का ज़माना। तो फिर मैंने सोचा ऐसे फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि इवेंट ख़त्म होने के बाद ये टिकट जो है कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज जब मैंने गेम खोली तो फिर ये टिकट जो है 31,000 कॉइन्स में कन्वर्ट हो गए थे। एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड पिकाचू फेस की अबे ये क्या हो गया। मतलब यार सच में टिकट की वजह से फ़ायदे में रहते हो तुम। और आज जो एक नया इवेंट आया है सैंगुइन फॉरेस्ट, जिसमें हमें बेसिकली एग्जीक्यूशनर का सेट मिल रहा है। सच बता रहा हूँ मैं, मैंने इस को लिटरली भाई 20 मिनट में, सच बता रहा हूँ, इस इवेंट को मैंने 20 मिनट में स्पीड रन करके ख़त्म कर दिया। 6 फाइट्स थी, सारी 6 की 6 फाइट्स मैंने 20 मिनट में ख़त्म कर दी थी। तो इसलिए हैशटैग मैराथन स्पीड रन ओपन दी चैट। और मुझे कुछ बहुत ख़ास सामान तो नहीं मिला था सिवाय एक को छोड़कर। तो मुझे बेसिकली एक यूनिक रेंज वेपन मिला था एग्जीक्यूशनर का, जिसका नाम है एक्सकारनेटर्स। एक्सकारनेटर जिस पे है टाइड शैडो एबिलिटी। ये रेंज वेपन मुझे मिला था इस इवेंट से। और या आई गेस ऑफ कैमरा यही सब कारनामे हुए थे, उसके अलावा कुछ और हुआ नहीं था। और जैसे कि तुम मेरी शैडो एनर्जी को देखकर पता लगा ही सकते हो कि मैं लेवल अप होने के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तो बेसिकली शेंग जू को इस गेम के सबसे टफेस्ट बॉसेस में से एक गिना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रेज एबिलिटी। क्योंकि उसकी रेज एबिलिटी में उसको रोकना नामुमकिन है, उसको इंटरफेयर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे टफ माना जाता है। लेकिन मैं शेंग जू से जो 10 बार से भी ज़्यादा लड़ चुका हूँ ये पता लगाने के लिए कि इसकी ट्रिक क्या है। और अब जब मैं फाइनली इसकी ट्रिक समझ चुका हूँ तो फिर मैं तुम्हें दिलासा दिलाता हूँ कि इस बंदे को मैं इनसेन पर हराऊंगा 3-0 के रेशियो से ऑन इनसेन डिफ़िकल्टी लेवल। ये मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ट्रिपल स्टाइल फाइटर बॉस इनसेन डिफीट शेंग जू। तो बेसिकली नहीं फाइट, तो बेसिकली ये बंदा तीन तीन टाइप के वेपन्स यूज़ करता है, स्वॉर्ड फ्रॉम लीजन, स्टाफ फ्रॉम डायनेस्टी और साई फ्रॉम हेरल्ड्स। तो बेसिकली 1v3 हो गए। मैं अभी तक इससे जितनी बार फाइट्स कर चुका हूँ उसके हिसाब से मुझे जो है सबसे पहले हमला करने का मौका इसे देना होगा। तो जहाँ हमला करिए सबसे पहले आप। इसकी ट्रिक कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल ट्रिक है। मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दूँगा। पहले जहाँ हमला करिए मुझ पर। दिस टाइम आई वॉन्ट टू लूज। तो देखो मैंने इसे पूरा रेज दिला दिया। अब मैं इसे करीब माने दूंगा। अरे शिट, ओके स्टॉप ब्लॉकिंग। तू ये खा। ओके सी है बॉय, इजी पीजी। तो बेसिकली कोई बहुत खतरनाक ट्रिक नहीं है, तुम्हें बस यही करना है कि इसके पीछे हटते रहना है, ठीक है? जब ये रेज मोड में है तो इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इतनी ज़्यादा स्पेस दी गई है तो भाई उसका फुल फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना? मैं अभी अपनी शैडो एबिलिटी यूज़ नहीं करूँगा। इसे मैं लास्ट राउंड के लिए बचा के रखूँगा। पीछे 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 पीछे। हाँ
नहीं, पीछे जाना, पीछे 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 पीछे। सी इजी पीजी बॉयस, इजी पीजी। देखा, इसे ऐसे हराना है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तो 3x0 के रेशियो से हराऊंगा। एक्चुअली क्या मुझे अपनी शैडो एबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत है? वो बंदा 2 मिनट में रेज मोड में आ जाएगा। चलो यूज़ कर ही लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस बॉयस। भाई साहब, भाई साहब, ओपी। और इसी के साथ शेंगजू खत्म। 3x0 बॉयस, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं से 3x0 के रेशियो से हराऊंगा। देखा, इजी पीजी। इसको हराना कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है? तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, उससे हमला करने का मौका सबसे पहले देना है, अच्छे से काउंटर अटैक करो एंड ये बंदा ख़त्म है, ठीक है? इजी पीजी बॉयज। ये बंदा तब भी मेरे सामने बेवकूफ़ था, अब भी मेरे सामने बेवकूफ़ है। एंड ओ, मेरी एंशियंट लेगेसी काफ़ी अच्छे खासे लेवल तक अपग्रेड हो गई है। नाइस, आई लाइक इट। ओके, तो एंशियंट लेगेसी अब मेरे क्राउन डिफेंडर से ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। ओके, आई गॉट इट। शेंगजू, आई मास्टर्ड ऑल नोन फाइट स्टाइल्स ओनली टू डिफीट यू। डू यू थिंक दिस माइनर लॉस कैन स्टॉप मी? ऑफ कोर्स दिस माइनर लॉस कैन स्टॉप यू। एतु, वी हैव हर्ड दिस टॉक बिफोर, वी हैव मोर प्रेसिंग मैटर्स टू अटेंड टू। सर्जेंट, कैन यू शो अस आउट? या सर्ज, हमें बाहर निकाला जाए यहाँ से अब। दैट्स वाई आई एम हियर। आई डोंट नो हाउ जनरल मार्कस मेड इट एंड लुक सो यंग, बट आई बिलीव इट्स हिम। अच्छा, मतलब ये मार्कस को जानता है। हाँ, एंड आई बिलीव डेट द लीजन कैन बी सेव। भैया, लीजन को बचाना ही हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इतनी सारी शेडो एबिलिटी है भाई साहब, फ़ायदा उठाना है इसके। 359। ओके, तो इस वाले को इक्विप कर लेंगे। पॉइजन, प्लक और हार्श विंड। नाइस। 340 नहीं, एक बार आर्मर को अपग्रेड कर देते हैं बस, नॉट मोर देन डैट। ओके, हार्ड। ओके, हार्ड तो कर ही सकते हैं ना। मार्कस, योलांडा हैड टू बी क्राउंड आफ्टर माई स्पीयर कैंपेन, शी कॉन्ट बी इमोर्टल, कैन शी? एंड वॉट अबाउट द एल्डर्स? हाँ, सर्ज, शी silenced everyone who was against another shadow squad dispatch, failure after failure, but she kept trying. Oh shit, Queen Yolanda matlab dangerous hai, huh? Look there, that's where the jailkeeper's henchmen are holding position to turn the legion in. We must stop them. Okay, nahi, I must stop them. Chapter 1 mein bhi main hi sare kaam kar raha tha aur chapter 6 mein bhi main hi sare kaam kar raha hu, kuch nahi bol raha hai Sarge. Wrong way, hard defeat the jailkeeper. Okay, let's do this with style. किस जेल कीपर में इतनी ताकत जो हमें रोक पाए? हाँ, किस में है इतना तुम? ओके, तुम तो भाई साहब बहुत बड़ा तोड़ा लेकर आए। हाँ, प्लग का भाई यही फायदा है। मैंने लिटरली प्लक को जो है उसमें क्या कहते हैं डुअल्स में ट्राई किया था, एंड प्लक भाई सीरियसली बहुत सही वो है पर्क। सच में डुअल्स में मैं बंदों को शॉक कर करके परेशान कर रहा था।
10% chance to give shock to enemy after 3 hits, huh? Not a bad deal. Ha! अरे भाई भाई भाई, ओके चलो कोई बात नहीं, उसको पॉइजन ने ही ख़त्म कर दिया। नेवर माइंड, एक्चुअली इजी पीजी। ओके ओके रेस्पिरेटर्स, ओके लेट्स वॉच द बोनस कार्ड। ओके प्रिपेयर्ड स्ट्राइक, गिव मी दोस 5 जेम्स। Insane, huh? Marcus, Ithu, try to make your way to the throne room and make sure that June and Moira are safe. We'll take care of the dynast. Actually, I will take care of the dynast. Marcus, it seems the dynast had a backup plan. Oh, damn. They blew up one of our walls. I see a grenade. Let's go get him. Bhai sahab, wo wahi kya kehte hain? Diwali bada di. Wah, bahut sahi. Insane, defeat the fortress from grenadiers. Cautious step. Wah. Wah ji wah. Fight. Bas isi rule ka to mujhe dar tha. Kisi bhi achhi khasi fight ko rulane ke liye ye wala rule sabse best hai. By God. डायनेस्टी एंड ग्रेनेडियर, ओके इसके पास चेन नाइफ है। ओ डैम इट, ओ डैम इट यार, अरे यार भाई शॉक हो गया था मैं। डैम इस चेन नाइफ के साथ भाई मैं पंगे नहीं ले सकता, बहुत खतरनाक चीज है ये। अरे नहीं 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 नहीं, प्लग बॉय प्लग, अरे वाह, ओपी ओपी। प्लग के सामने खतरनाक बनने की कोशिश मत करना भाई साहब, तबाही मचा दूंगा मैं आपके अंदर। Don't try to become overpowered in front of Pluck. Seriously, our Pluck kitni zyada OP perk hai. Kasam se, one of the best perks of Dynasty. Dynasty ko is perk pe proud hona chahiye. अरे नहीं 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 नहीं, ओपी। तुझे क्या लगा तू मुझे हरा सकता है? ऑन इनसेन गाइस, ऑन इनसेन हैं मैं अभी भी इनसेन, पर उतना ही ताकतवर हूँ जितना मैं पहले था।
ये मत बोलो मैंने एग्जीक्यूशनर को किस डिफिकल्टी लेवल पे हराया था। माँ कसम रोना निकल गया था मेरा। ओके नाइस। आई वंडर अब इस चैप्टर दूसरी बॉस कौन होगा। ओके शैडो रिचार्ज गिव मी दोस 5 जेम्स। इम्पॉसिबल डैम इट। मार्कस ग्रेट वी स्कैटर्ड द ग्रेनेडियर सो व्हाट्स दिस अबाउट द शैडो स्क्वाड सार्ज व्हाई डिड द क्वीन नीड देम। सार्ज हमको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए। सार्ज शी वेंट नट्स आफ्टर द शैडो बीस्ट अटैक हर सिस्टर डाइड फ्रॉम द स्कॉर्च। ओ शिट शी इज ऑफली अफ्रेड ऑफ द बीस्ट। ओ डैम बड़ा ही बहुत ही दुख हुआ सुन के। द पर्पज ऑफ द शैडो स्क्वाड्स वॉज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ईस्ट बट नन ऑफ देम विदस्टूड शैडो एनर्जी टेम्पटेशंस। अरे वाह जी वाह। इम्पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल तो कतई नहीं करने वाले हम। चलो देखते हैं क्या क्या अपग्रेड करना है। 450 340 एक बार ऐसे कर लो और एक बार ऐसे कर लो। 10,000 बॉयज 10,000। हार्ड आई विल एक्सेप्ट इट। हार्ड तो चलो कर लेंगे। सार्ज एंड हियर कम्स डैंग राव। हे बॉय राउंड टू बॉयज राउंड टू। वन सेकेंड फेट इज ब्रिंगिंग अस टुगेदर एट द फोर फ्रंट इज इट वेलर और प्राइड। मार्कस इट्स पर्सनल जून टोल्ड मी अबाउट डेंगरो ही ड्रीम्स ऑफ टम्बलिंग हर फादर फ्रॉम द थ्रोन लेट्स फिनिश हिम। जैसा कि मैंने कहा था लेट्स फिनिश दिस पीस ऑफ शिट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। ड्रीम्स ऑफ द एम्पायर हार्ट अरेस्ट डेंगरो। अरेस्ट से मतलब ये हमारी डेंगरो के साथ फाइनल फाइट है। हाँ तूने मुझे चैप्टर वन में हार्ड डिफिकल्टी लेवल पे जितना रुलाया था आज मैं तुझे हार्ड डिफिकल्टी पर फर्स्ट ट्राई में रुलाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है टैंक राव। क्या इसके बाद ड्रैगन्स रोर होगी। भाई साहब ड्रैगन्स रोर होगी तो मैं ड्रैगन्स रोर लेकर ही आऊंगा। ओ नहीं उसके पास क्राउन डिफेंडर्स हैं। नॉट यू नॉट अगेन नॉट नाउ। तू ये खा तेरी ऐसी की तैसी है। अबे करीब आना दूर कहे भाग रहा है। You won't stop me. Oh, just shut up, you idiot. Oh, just shut up. तू मेरे सामने कुछ नहीं है। Ancient legacy versus crown defender boys. Epic Shuango versus legendary Shuango. चलो at least better than nothing. Flying kick खाओ सर मुंह पे। You legendary dog. अबे तेरी ऐसी की तैसी है। लीजन को गाली देगा तेरी ऐसी कम तैसी। ओ डैम यू। यू विल पे फॉर दिस। आई डोंट फियर यू बॉय। नाइस डैंग राव भी खत्म। ओपी यू विन। यस नेक्स्ट फाइट इज प्रोबेबली गोना बी इनसेन। हाँ मुझे तो भाई अब इतना पता है। ओके अब सेकंड बॉस से पहले एक और फाइनल फाइट। हॉक फेदर अपग्रेड हो गया। नाइस आई लाइक डैट। ओके किक बैक गिव मी दो 5 जेम्स। नाइस इनसेन जैसा कि हमने कहा था। सार्ज डज डेंगरो स्टिल ब्रीथ। हैं क्या परमानेंटली खत्म कर दिया। ये तो और भी अच्छा है। आई विल टॉस हिम टू द पिट। ओ भाई अच्छा है। डेट शुड मेक हिम रिवैल्यूएट हिज ड्रीम्स। सही है। इतू हाउ लकी आई फाउंड यू ऑल। जून एंड मॉयरा आर लाइव। आई सॉ देम दे आर इन द थ्रोन रूम सराउंडेड बाय सम हेराल्ड्स। ओ डैम इट
मार्कस हेरल्ड इन द लीजन थ्रोन रूम। इट्स फनी डेट आई डोंट फील सरप्राइज। अब तो मुझे भी सरप्राइज फील नहीं होता। देर इज अ सीक्रेट पैसेज आउट ऑफ द थ्रोन रूम एंड एमरजेंसी एस्केप रूट फॉर द रॉयल फैमिली। लेट्स चेक इट आउट। ओके ऑन सीन। क्वीन योलांडा, क्या हाल है आपकी? हाउ डिड दिस गार्ड लेट यू आउट? You don't learn from your mistakes, Sergeant. I should have executed you back then. Just shut up. Marcus, Your Majesty, I've seen enough. How could you let the precepts of the Legion be violated? Who are these heralds? Huh? Queen Yolanda, my personal guards. And don't you dare judge me. Hum to judge karenge, kya kar loge hamara? Your precious elders always cared more about the damn sphere. You left for glory while your homeland was completely vulnerable to shadows. Only Bolo helped us. Watch us kill them. Arre, Bolo ne inki madad ki. Damn. The elder sister insane fight Bolo's watchers. Dekho, Queen, mujhe pata hai, tumhari past bahut bura hai. Tumhari behnwa ko jo ek scourge ne maar dala. Lekin iska ye matlab nahi, iska badla tum puri legion ko tabah karke logi. ये एक सल्यूशन नहीं है योलांडा। हमारे साथ पीस ट्रीटी साइन कर लो, हमारे साथ शांति समझौता कर लो, हम वादा करते हैं हम तुम्हें जीने देंगे। क्लासी कट्टाना। ओके दिस माइट टेक अ वाइल। ओह गॉड डैम इट। अरे शेट यार, अपने आर्मर को अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। द आर्मर डेफिनेटली नीड्स एन अपग्रेड। ऐसा तो भैया कतई काम नहीं चलेगा। ओके आई सी, हाँ यू आर अ टफ वन। ओके आई शुडंट हैव डन दैट। Oh damn it! Oh stop blocking! अरे यार भाई भाई, उसने मेरे अटैक को लिटरली इंटरफियर कर दिया। जब मेरे अटैक्स को इंटरफियर किया जाता है ना, तब भाई बहुत गुस्सा आती है मेरे को। कुछ भी करो लेकिन मेरे अटैक को तो इंटरफियर मत करो। ओके आर्मर को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, बहुत डैमेज कर रही हूँ उसकी। क्लॉथ ही कटाना। Queen Yolanda, you came here for Moira. I'll send her to Master Bolo. We'll figure out how she managed to overcome the scourge. नहीं, वो बोलो पता नहीं क्या बबलेट है, वो उस पर क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, पता नहीं वो उस पर क्या करेगा, इसलिए हम मोयरा को बोलो के पास तो कतई जाने नहीं देंगे। एक सेकेंड, कहाँ है मेरा ये आर्मर? आर्मर, ओ शिट, इनवर्ट आर्मर। तुम बहुत महंगा मांग रहे हो यार। ओके अफसोस, लेकिन हम मजबूर हैं गाइस, हम मजबूर हैं। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एंड इट्स स्टिल इनसेन। भाई तुम पागल वागल हो क्या है? नहीं सही में तुम पागल वागल हो क्या? अब तो जो है अच्छे खासा डैमेज मेरा आर्मर झेल लेगा, है ना?
भाई साहब, लाइट और कटाना होती ही अनोइंग है। ओके, इस बार मैं हमला करने का मौका पहले तुझे दूंगा। नाइस काउंटर अटैक। ओ या बॉयस, डैम इट, दिस गाय वाज अनोइंग। डैम, तुम ये खाओ। ओके, डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट आइडिया, डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट आइडिया। नाउ व्हाट डू यू कॉल दैट सर? ओ गॉड डैम इट, गेट रैक्ड। मेरे सामने टिकने की सोचना भी मत। ओके, आर्मर को अपग्रेड करने से मदद मिली एक्चुअली में। हो डैम, ओके, लेवल अप के बहुत करीब। नाउ टेल मी हु इज द सेकंड बॉस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट वॉच द मून स्कार्ड। ओके नाइस, नाउ टेल मी हु इज द सेकंड बॉस ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, इम्पॉसिबल, वाओ, ओ शिट, योलांडा ये क्या बन गई हो तुम? क्वीन योलांडा, सो द वॉच वॉज फेल्ड, नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली। I'll take it from here. You won't interfere in my master's plan. Shit, अब हमें Queen Yolanda से लड़ना पड़ेगा। God damn it. Moira, Yolanda, what has become of you? Your body, it looks like my doll's. Oh shit, Queen Yolanda Moira की doll है? Queen Yolanda, master will upgrade in my body. I will live forever and these scars won't get me. Shit, भाई मेरे, ये क्या, क्यों, किस लिए? 895। ओके, फिर फेल्डशर्स मास्क को कर लो। आई एम आउट ऑफ शेडो एनर्जी नाउ, जितनी शेडो एनर्जी सब उड़ा दी। ओके इनसेन, एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। मोयरा, योलांडा, प्लीज कम टू आवर सेंसेस, दीज आर नाइस पीपल, टेल देम वेयर शेडो इज, साइन अ पीस ट्रीटी विद जून। एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरेंडर कर दो, एक शांति समझौते पे दस्तखत कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लड़ाई हमेशा वो नहीं है, क्या कहते हैं, सोल्यूशन नहीं है। साज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द किड इज राइट, दीज आउटलैंडर्स जस्ट हेल्प्ड अस टू ड्राइव आउट द आर्मी ऑफ डायनेस्ट। एग्जैक्टली, क्वीन योलांडा, ओ रियली, देन यू आर अ यूजलेस ट्रॉफी नाउ। सही में, डायनेस्टी प्रिंसेस और योर नीस प्रिपेयर टू डाई। ओ नो, नहीं, हमें जून को किसी भी हालत में बचाने होगा। एंड लेजेंडरी कार्ड, ओके, आई वंडर क्या मिलेगा लेजेंडरी कार्ड में, क्या मिल सकता है। एंड लगता है मुझे डेफिनेटली काफ़ी ग्राइंडिंग करके आनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिफीट द योलांडा। इसके अलावा तो भाई साहब कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकता हमारे एंशियंट लेगेसी को छोड़कर।
लेकिन अभी एक चेस्ट खोल सकते हैं हम, तो इसे खोल लेते हैं। क्या मिलेगा इसमें? पियर्सिंग नीडल, लाइट वेट कामा, स्कैवेंजर मास, सब बकवास। ओ, एक सेकेंड, क्या एक सेकेंड, एक बोनस कार्ड में से लेजेंडरी आर्मर मिला, ऑब्स्क्यूर जैकेट। ओ डैम, एक सेकेंड, ये तो, ओ भाई तुमने नोटिस किया, ये तो मास्टर रुकाड़ा की जैकेट है। भाई साहब, मास्टर रुकाड़ा की जैकेट मिली है, लेकिन अफसोस हम इसे अपग्रेड नहीं कर सकते, हमें अपना एनवरोट आर्मर ही यूज़ करना होगा क्वीन इलांडा को हराने के लिए। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, होप श्योर तुम लोगों को पसंद, और तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ ताकि मेरे जब भी कोई नई वीडियो तो तुम सबसे पहले देखो। इस वीडियो में बहुत बड़ा थम्स करो जैसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, एंड में तुम लोगों को समझता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।